अमित कुमार है। मैं इस वीडियो में आपको ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट वेल एंड पंप्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ये 5वां वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो थ्रू पोरस मीडिया इज प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज गिवन बाई। तो ये किसने दिया? डार्सी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्रोजन इन ट्यूब वेल वाटर इज इंक्रीज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। किसकी वजह से क्रोजन होता है? तो डिजोल्व साल्ट, सॉलिड कंटेंट, डिजोल्व गैस इन वाटर, ऑल ऑफ द अबव। तो क्रोजन सभी की वजह से लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एन अनस्टडी फ्लो इन कन्फाइंड एक्वीफर वाज ड्राइव्ड बाई। तो किसने अनस्टडी फ्लो कन्फाइंड एक्वीफर में ड्राइव किया है? थी, जेकॉब, चाउ, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, इन तीनों ने अनस्टडी पे ही काम किया है एक्वीफर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कैरेक्टरिस्टिक कर्व शो द रिलेशनशिप बिटवीन। कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या शो करता है? हेड, स्पीड, डिस्चार्ज, ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन व्हेन वाटर फ्लो थ्रू पाइप इज प्रोपोर्शनल टू। तो किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ हाइड्रोलिक हेड एंड लेंथ इज 5 and 10 meter रिस्पेक्टली द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमारी कितना हो जाएगी? 0.5 या फिर 5.10। ए और बी इसका बोथ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल है, इफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी मटेरियल आर 5 day and 10 day मीटर स्क्वायर पर सेकेंड रिस्पेक्टली द इंट्रेंसिव परमेबिलिटी इन मीटर स्क्वायर। तो कितना आएगा इसको जब सॉल्व करेंगे? 58.99 × 10⁻⁶। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कीपिंग अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट डबलिंग द डायमीटर ऑफ ट्यूब वेल विल इंक्रीज द डिस्चार्ज बाई। तो कितना डिस्चार्ज इंक्रीज कर जाएगा? 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कैविटी वेल हैविंग नो स्टेनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा नो स्टेनर, कैविटी वेल हैविंग नो स्टेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, द डिस्पोज अस फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट इज मेनली यूज्ड इन। कहाँ यूज होता है? रोड कंस्ट्रक्शन में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, रोड कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, टोटल हेड ऑफ पंप इज इंडिकेटेड बाय। टोटल हेड का मतलब क्या होता है? टोटल सक्शन हेड प्लस टोटल डिलीवरी हेड, तो दोनों को मिला के बोलते हैं टोटल हेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, क्वेश्चन नंबर 12, वेल रिकवरी रिफर्स टू। वेल रिकवरी रिफर्स टू का क्या मतलब होता है? वेल कैरेक्टरिस्टिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द डिस्चार्ज ऑफ कन्फाइंड एक्यूपर रिफर्स टू। तो अगर हमारा कन्फाइंड एक्यूपर से डिस्चार्ज होगा तो ड्रा डाउन और थिकनेस दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए और बी, ड्रा डाउन और थिकनेस। ऑप्शन नंबर बी इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बोथ ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द वाटर इंट्रेंस वेलोसिटी इन वेल स्टेनर इज कितनी होती है? 30 mm/s। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पंप यूज्ड इन सरफेस ड्रेनेज वर्क आर ऑफ द टाइप ऑफ। तो किस टाइप का पंप यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगल पंप।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वेल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, वेल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्या होता है, रिवर्सिबल ऑफ फ्लो थ्रू केसिंग पाइप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कन्फाइंड क्यूबर इज ऑपरेटेड फॉर टेस्टिंग इज, तो कन्फाइंड क्यूबर को कितने घंटों के लिए टेस्ट करते हैं, तो 24 से 40 घंटे के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। फुटबॉल इज इंस्टॉल्ड इन विच साइड ऑफ पंप, फुटबॉल कहाँ लगाया जाता है, तो सेक्शन पे लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ एक्विफर्स रिफर्स टू द रेशियो ऑफ, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ एक्विफर्स रिफर्स टू द रेशियो ऑफ, तो ये रेशियो किसका होता है, डिस्चार्ज वर्सेस ड्रॉडाउन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, डिस्चार्ज वर्सेस ड्रॉडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। स्पेसिफिक यील्ड ऑफ द एक्विफर इज द प्रॉपर्टी ऑफ, स्पेसिफिक यील्ड किसकी प्रॉपर्टी है, तो अनकन्फाइंड सेमी कन्फाइंड, इसमें बी और सी ऑप्शन दिया है, लेकिन हमको ये सही ऑप्शन नहीं लग रहा है, हमको मेरे हिसाब से कन्फाइंड एक्विफर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। व्हेन टू सेंट्रीफ्यूगल पंप आर अरेंज इन पैरेलल द हेड इज, जब पैरेलल दो सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाएंगे तो हमारा जो हेड रहेगा वो रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगा और डिस्चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अर्गन क्वेश्चन इज एप्लीकेबल टू द फ्लो, तो अर्गन क्वेश्चन कहाँ एप्लीकेबल होता है, पोरस मीडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। अ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच नाइदर पोरस नॉर परमिएबल इज कॉल्ड, ना ही पोरस है ना ही वाटर ट्रांसमिट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब पूरा पहाड़ एक्यूफ्यूज होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्यूफ्यूज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। द पंप यूज फॉर हाई डिस्चार्ज एंड लो हेड इज, हाई डिस्चार्ज लो हेड के लिए कौन सा पंप यूज करते हैं, प्रोपेलर पंप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। फर्स्ट एक्यूफर इज अ स्पेशल केस ऑफ, फर्स्ट एक्यूफर किसका स्पेशल केस है, तो वो है हमारा अनकन्फाइंड एक्यूफर का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। आ कॉमनली सैचुरेटेड एक्यूफर दैट इज बाउंडेड अबव बाय द सेमी प्रीवियस लेयर एंड बिलो बाय लेयर दैट इज आइदर इम्प्रीवियस और सेमी इम्प्रीवियस इज, तो इस टाइप के एक्यूफर को क्या बोलते हैं, लीकी एक्यूफर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। ग्राउंड वाटर फ्लो अकर्स व्हेन द रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन वन, कितना होता है रेनॉल्ड नंबर, लेस देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप एक्सप्रेस्ड इन रिलेशनशिप बिटवीन, क्या करता है, स्पीड डिस्चार्ज एंड हेड तीनों को एक्सप्रेस्ड करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। द यील्ड ऑफ स्टडी फ्लो कन्फाइंड एक्यूफर ड्यू टू इंक्रीज इन ड्रॉडाउन, तो क्या करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। डबलिंग द डायमीटर ऑफ कन्फाइंड एक्यूफर इंक्रीज इट्स यील्ड ऑफ, कन्फाइंड एक्यूफर में अगर डायमीटर डबल भी करेंगे तब भी बहुत मार्जिनल या 2% तक बढ़ता है बस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्जिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। पीजोमीटर इज यूज टू मेजर, पीजोमीटर काहे के लिए यूज करते हैं,
तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। द इफेक्टिव डायमीटर D10 रिप्रेजेंट, D10 का मतलब 10% फाइनर, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। इफ यूनिफॉर्मिटी कोफिशियंट ऑफ ग्रेवल पैक मटेरियल इज 1 इफ रिप्रेजेंट, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। फॉर ए यूनिफॉर्म के ऊपर D50 अपन ऑफ पेक अपन D50 अपन के ऊपर शुड लाइज बिटवीन, कितने से कितने तक लाई करता है? तो 9 से 12.5 तक लाई करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ए। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। क्रॉक्ड ट्यूबवेल कॉज्ड ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? ऑल ऑफ द अबव, कैसे? मिस अरेंजमेंट ऑफ द लाइन शाफ्ट तभी होगा, हाई पावर कंजप्शन तभी होगा, वाटर एंड टियर ऑफ शाफ्ट वेयरिंग तभी होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अ सेंट्रीफ्यूगल पंप डिलीवर 10 लीटर पर सेकेंड अगेंस्ट द टोटल हेड ऑफ 7.5 मीटर, द वाटर हॉर्स पावर इज, तो इसका वाटर हॉर्स पावर कितना आ जाएगा? 0.746 किलोवाट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। वाटर हैमर्स अकर्स ड्यू टू, वाटर हैमर्स किसकी वजह से अकर्स होता है? तो सडन स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग अप पंप, पावर फेलियर एंड रैपिड क्लोज वाल्व, ड्रॉप्ट चेंज इन पंप, ऑल ऑफ द अबव, तो इसके लिए ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। 38 नंबर कहता है द रिलेशन ड्यू टू इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ इंपेलर रिजल्ट इन टोटल हेड एच इन द पोर्शन ऑफ, तो क्या हो जाएगा? डी इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। जेट असेंबली प्रोवाइड इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप टू इंक्रीज, क्या इंक्रीज करने के लिए प्रोवाइड करते हैं? तो सक्शन लिफ्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जो जेट असेंबली लगाते हैं वो हम किस लिए लगाते हैं? तो सक्शन लिफ्ट को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। विच मेथड शो द रिलेशनशिप बिटवीन ग्राउंड वाटर फ्लक्चुएशन एंड ग्राउंड वाटर ड्रॉप, तो इसके लिए हिल्स मेथड को यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, हिल्स मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इफ द स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डबल, द पावर रिक्वायर्ड विल बी इंक्रीज्ड, तो कितना टाइम पावर रिक्वायर्ड होगा इसको? 8 टाइम, 41 का राइट आंसर हो जाएगा 8 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। 42 अ केमिकल मेथड यूज टू मेजर द पोलेटिंग पोटेंशियल ऑफ मटेरियल इन वाटर, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? COBOT, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, BOT। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। वाटर हॉर्स पावर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑफ 10 लीटर पर सेकेंड कैपेसिटी एंड 38 मीटर टोटल हेड विल बी, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। हाइड्रोलिक रैम इज पंप्ड विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो हाइड्रोलिक रैम किस पे वर्क करता है? वाटर हैमर पे,
ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, वाटर हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, द टोटल हेड ऑफ प्रोपेलर पंप इज, प्रोपेलर पंप का टोटल हेड कितना होता है 1 से 2.5 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, समरसेबल पंप आर सुटेबल फॉर द कंडीशन वेयर, तो समरसेबल पंप कहाँ सुटेबल रहता है, जहाँ वाटर को बहुत गहराई से उठाना हो या बहुत ऊंचाई पे भेजना हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटर इज टू बी लिफ्टेड फ्रॉम डीप ट्यूबवेल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, मिनिमम थिकनेस ऑफ ग्रेवल पैक इन केस ऑफ ट्यूबवेल इज, तो कितनी होती है 7.5 मीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज फॉर, तो ये कहाँ यूज किए जाते हैं, हायर हेड कंडीशन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, अ पंपिंग डिवाइस दैट कंबाइंस एंड एडवांटेज ऑफ बोथ सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप इज नोन एज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेट पंप, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, द वेल इन विच द वाटर लेवल रिमेन एट द वाटर टेबल आर, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन आर्टेसियन वेल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, एन एक्वीफर बाउंडेड बाई या पार्शियली प्रीवियस लेयर एंड बिलो बाई या लेयर दैट इज आइदर इम्प्रीवियस और पार्शियली प्रीवियस इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी कन्फाइंड एक्विफर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, अ फुट वाल्व इज यूज्ड इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप सिस्टम सो एज टू, क्या हो जाएगा, कीप इट पिरामिड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कीप इट पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, द डिफरेंस बिटवीन अ शैलो ट्यूबवेल एंड डीप ट्यूबवेल इज ऑन द बेसिस ऑफ, तो किस बेसिस पे हम लोग करते हैं शैलो वेल और डीप ट्यूबवेल में डिफरेंस, तो डेप्थ ऑफ द ट्यूबवेल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, इन अ रेडियल सेंट्रीफ्यूगल पंप द इनलेट एंगल विल बी डिजाइन है, कैसे डिजाइन करते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर इन द रेडियल डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, प्रेशर प्लेट अपरेटस इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ सोइल मॉइस्चर टेंशन अप टू, कितने बार तक मेजर करता है, तो 15 बार तक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, द नॉर्मल रेंज इन स्पेसिफिक स्पीड एम के एस यूनिट द इनकाउंटर्ड इन सिंगल सेक्शन इम्पेलर डिजाइन इज, कितने से कितने डिजाइन करते हैं, 100 से 300, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, ब्लाइंडिंग ऑफ टाइल्स रिफर्स टू, ब्लाइंडिंग ऑफ टाइल्स रिफर्स टू का क्या मतलब होता है, कवरिंग द टाइल्स विथ लूज अर्थ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, कोफिशिएंट ऑफ स्टोरेज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, कोफिशिएंट स्टोरेज किसकी प्रॉपर्टी है, तो कन्फाइंड एक्वीफर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, लीकेज फैक्टर है द डायमेंशन लेस ऑफ, तो लीकेज फैक्टर किसका डायमेंशन होता है, लेंथ का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, करोजन ऑफ ट्यूबवेल पाइप में बी कॉज, किसकी वजह से होता है करोजन, तो एक्सेस डिस्चार्ज ऑफ सैंड विद वाटर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, द कैपिलरी फिलिंग आल्सो कॉल्ड, कैपिलरी फिलिंग क्या होता है, बोड्यूज वाटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, कन्फाइंड एक्वीफर इज आल्सो नोन एज, कन्फाइंड एक्वीफर क्या होता है हमारा,
अल्टेशियन इक्यूपर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। अनकन्फाइंड इक्यूपर इज आल्सो नोन एज, अनकन्फाइंड इक्यूपर को हम लोग फर्स्ट इक्यूपर के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 की फर्स्ट एक्यूपर इज लोकेटेड, तो फर्स्ट एक्यूपर कहाँ होता है? अबव द मेन वाटर टेबल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, अ वेल इंस्टॉल्ड इन कन्फाइंड एक्यूपर ऑलवेज कंटेंस, तो कन्फाइंड एक्यूपर में जब हम लोग वेल इंस्टॉल करते हैं तो उसमें क्या होता है, हायर वाटर लेवल देन द स्टेटिक ग्राउंड वाटर टेबल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, सेमी कन्फाइंड एक्यूपर इज आल्सो नोन एज, तो सेमी कन्फाइंड एक्यूपर को लेकी एक्यूपर भी बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, पोरोसिटी ऑफ सोइल फॉर्मेशन इज द रेशियो ऑफ, पोरोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड टू द वॉल्यूम ऑफ फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, कैविटी वेल इज द, कैविटी वेल किस टाइप का वेल होता है, सेलो टाइप का वेल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, वेल लॉग इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग बोर ड्रिलिंग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बोर ड्रिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, वेल डेवलपमेंट रिफर्स टू, तो वेल डेवलपमेंट रिफर्स टू का क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ फाइनल पार्टिकल फ्रॉम द एरिया अराउंड द वेल स्क्रीन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, मैकेनिकल इंस्ट्रूलूजन रिफर्स टू द, कैसे होता है ये, डिपोजिशन ऑफ क्ले मटेरियल अराउंड वेल स्टेनर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, पीजोमीटर आर इंस्टॉल्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर हेड इन, तो पीजोमीटर कहाँ इंस्टॉल किए जाते हैं, कन्फाइंड एक्यूपर में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, थीज मेथड इज यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग द पैरामीटर ऑफ, थीज मेथड किस चीज को इवैल्यूएट करने के लिए करते हैं, तो ये थीज मेथड जो है हमारा कन्फाइंड एक्यूपर में होता है अनस्टडी फ्लो और को पता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, लीकेज फैक्टर है द डायमेंशन ऑफ, लीकेज फैक्टर लेंथ का डायमेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, वेल यील्ड पर यूनिट ड्रॉडाउन इन अनकन्फाइंड इक्यूपर इज द रिफर्स एज, तो ये क्या हो जाएगा, वेल यील्ड, ऑप्शन नंबर बी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, एडवांटेज ऑफ समरसेबल पंप इज, तो समरसेबल पंप का क्या एडवांटेज होता है, उसको हम बहुत गहराई के पानी को भी उठा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इट कैन बी यूज्ड इन वेरी डीप ट्यूब वेल्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, द वॉल्यूट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप चेंज, वॉल्यूट कहाँ चेंज करते हैं, तो प्रेशर हेड इनटू वेलोसिटी हेड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, द प्रेशर ऑफ सोइल वाटर अबव द वाटर टेबल इज, तो क्या होगा, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, फॉर पार्शियली पेनिट्रेटिंग वेल द डेप्थ ऑफ ऑब्जर्वेशन वेल शुड बी, कितने होने चाहिए, इक्वल टू डेप्थ ऑफ टेस्ट वेल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, ब्रेडिंग एक्शन इन ट्यूब वेल कैन बी ब्रोकन बाय, कैसे ब्रोकन होता है, तो डेवलपिंग वेल बाय सर्जिंग, ऑप्शन नंबर बी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, द सम ऑफ वेल लॉस एंड फॉर्मेशन लॉस इज नोन एज, क्या होता है, ड्रॉडाउन, ऑप्शन नंबर बी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, द वॉल्यूम ऑफ वाटर
द कन्फाइंड एक्यूफर रिलीज फ्रॉम और टेकन इनटू स्टोरेज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द एक्यूफर पर यूनिट चेंज इन द कंपोनेंट ऑफ हेड नॉर्मल टू द सरफेस इज रिफर्ड टू एज. क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कोफिशिएंट ऑफ स्टोरेज, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 91. अ ट्यूबवेल विच डज नॉट मेक यूज ऑफ स्टेनर एंड कंस्ट्रक्टेड एट द लोकेशन वेयर हाई यील्डिंग एंड स्टेडियम इज अंडरलाइन वाई स्ट्रॉन्ग इम्प्रीवियस स्ट्रेन ऑफ डे इज नोन एज. तो ये कौन किस टाइप का वेल होगा? केविटी वेल. केविटी वेल के पास स्टेनर नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन है 92. एक्यूफर भी चार ओवरलैंड और अंडरलैंड वाई सेमी परमिएबल स्ट्रेन स्ट्रेट आर रिफर टू एज. तो ये क्या हो जाएगा? लेकी एक्यूफर, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 93. हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज. हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज क्या होता है? वर्टिकल इंपेलर माउंटेड ऑन हॉरिजॉन्टल शाफ्ट, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 94. जेट पंप आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड जेट मैकेनिज्म वेयर. किसका कॉम्बिनेशन होता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप प्लेस टेस्ट ग्राउंड वाटर सरफेस एंड जेट पंप इन द वेल बिलो द वाटर सरफेस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है 95. द एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप कंपेयर टू दैट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड हैंडल स्मॉल डिस्चार्ज एट हाई हेड इज. क्या हो जाएगी? मोर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 96. स्टेडी स्टेट वाटर फ्लो कंडीशन एग्जिस्ट व्हेन. कैसे एग्जिस्ट करेगा? द वाटर लेवल इन द वेल सीज टू डिसक्लीन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 97. द टर्म ऑफ आइसेंट्रोपिक मीन्स. आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज कॉन्स्टेंट इन ऑल डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 98. फर्स्ट वाटर टेबल क्या होता है? मे लाई अबव ग्राउंड वाटर टेबल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 99. द फुट वॉल्व इज इंस्टॉल्ड इन द सेक्शन लाइन व्हाइल पंपिंग विद ट्यूबवेल इन अनकन्फाइंड एक्यूफर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 100. कैविटी वेल्स आर यूजली कंस्ट्रक्टेड इन. कैविटी वेल कहाँ यूज किए जाते हैं? सेलो कन्फाइंड एक्यूफर में. नेक्स्ट क्वेश्चन है 101. कीपिंग द हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी इज कॉन्स्टेंट डबलिंग द डायमीटर ऑफ वेल स्क्रीन इन द पायरेटिक एक्यूफर वेल डिस्चार्ज विल बी इंक्रीज अबाउट. तो कितना इंक्रीज कर जाएगा? अबाउट 11%, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102. द लेंथ ऑफ स्क्रीन इन कैविटी वेल इज डिसाइडेड. तो कैसे डिसाइडेड करते हैं? नो स्क्रीन बाय यूजिंग वेल लॉग. तो कैविटी वेल में स्क्रीन ही नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो स्क्रीन प्रोवाइड, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103. हाइड्रोलिक रेम इज अ हाइड्रोलिक रेम हमारी क्या होती है? इंपल्स टाइप पंप, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, इंपल्स टाइप पंप. नेक्स्ट क्वेश्चन है 104. नॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर ट्यूबवेल इज अबाउट. तो कितना होगा? 10 लीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 105. फॉर ऑपरेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप विदाउट कैविटेशन द सक्शन लिफ्ट प्लस अदर लॉस मस्ट बी. क्या होना चाहिए? लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106. समरसेबल पंप आर सूटेबल फॉर द कंडीशन वेयर. समरसेबल पंप कहाँ सूटेबल रहता है? तो जहाँ पे अभी बोल चुके हैं वाटर इज टू बी लिफ्टेड फ्रॉम
डीप ट्यूबवेल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 107, 107 मिनिमम थिकनेस ऑफ ग्रेवल पेक इन केस ऑफ ट्यूबवेल इज कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज्ड फॉर, मल्टी स्टेज पंप कहाँ यूज करते हैं, हायर हेड कंडीशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 जेकोब मॉडिफिकेशन ऑफ द थीज नॉन इक्विलिब्रियम क्वेश्चन इज वैलिड फॉर, काहे के लिए वैलिड होती है, स्मॉलर वैल्यू ऑफ यू, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 रोटरी पंप आर रिकमेंडेड यूज, रोटरी पंप का क्या काम होता है, फॉर लिफ्टिंग द लुब्रिकेटिंग ऑयल इट्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक कोफिशियंट ऑफ एन एक्यूपर आर क्या होती है इसकी डायमेंशन, तो डायमेंशन लेस होता है क्योंकि स्पेसिफिक कोफिशियंट भी अलग ही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायमेंशन लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 इन केस ऑफ समरसेबल पंप सेट द मोटर इज, समरसेबल पंप का मोटर कहाँ सेट करते हैं, तो कंप्लीटली समर्ज इन वाटर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 द इंस्ट्रक्शन ऑफ साल्टी ग्राउंड वाटर इन मैनी एरियाज कॉज ड्यू टू लोबरिंग ऑफ वाटर टेबल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोबरिंग ऑफ वाटर टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 इफ द स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डबल्ड द पावर रिक्वायर्ड विल बी इंक्रीज, कितने टाइम इंक्रीज होगी, 8 टाइम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 इन अ सोइल इफ द पोरोसिटी 0.2 इफ द वॉइड रेशियो विल बी, तो वॉइड रेशियो निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 0.25, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 एन आर्किमिडीज स्क्रू इज, आर्किमिडीज स्क्रू क्या होता है, आर डिवाइस फॉर लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम शैलो एंड ओपन वाटर बॉडी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 समरसेबल पंप इज रिक्वायर्ड व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू हाई, क्या हाई होता है समरसेबल पंप के लिए, डिलीवरी हेड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 द पंप एफिशिएंसी मोटर एफिशिएंसी एंड ड्राइव एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप सेट और 80% 90% एंड 75% रिस्पेक्टिवली द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द पंप सेट इज, तो ओवरऑल एफिशिएंसी इसकी कितनी आएगी, 54%, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 द हाइड्रोलिक हेड इन साल्ट वाटर इज 30 मीटर अबव द रेफरेंस लेवल एंड कंसाइड्स विद द बॉटम ऑफ द पीजोमीटर, मास डेंसिटी ऑफ द सैलिनिटी ग्राउंड वाटर इज टू पीजोमीटर, मास डेंसिटी सालिन ग्राउंड वाटर इज 125 केजी पर मीटर क्यूब, द लेंथ ऑफ द कॉलम ऑफ फ्रेश वाटर इज, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 वाटर लेवल इन अ वेल इज 6.8 मीटर फ्रॉम द सरफेस, द मोस्ट सूटेबल पंप इज लिफ्ट वेयर, अगर हमारा वाटर टेबल 6.8 मीटर है तो उसके लिए हमारा सबसे अच्छा पंप कौन सा काम करेगा, हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल पंप, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 अक्रेंस ऑफ ग्राउंड वाटर कैन बी डिटेक्टेड बाई, तो ग्राउंड वाटर में अकरेंस को कैसे पता करने के लिए किस चीज को यूज करते हैं, रेजिस्टिविटी मीटर को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 लोअर टाइप स्क्रीन हैविंग ओपनिंग इन द फॉर्म ऑफ शूटर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123
Which of the following pump is preferred for flood control and irrigation application? इसमें से कौन सा पंप है जो कि इरिगेशन और फ्लड के लिए दोनों के लिए काम करेगा? तो एक्सियल फ्लो पंप इरिगेशन और फ्लड दोनों में काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। इन ऑर्डर टू अवॉइड कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, कैसे अवॉइड करते हैं? द सक्शन प्रेशर शुड बी लो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। द हेड लॉस ड्यू टू फ्रैक्शन इन पाइप फ्लो फॉर ए गिवन डिस्चार्ज कैन बी रिड्यूस्ड बाय। अब अगर पाइप में फ्रैक्शन लॉस कम करना है तो कॉमन सी बात है, पाइप का लेंथ बढ़ा दो, अगर और मोड़ोगे घुमाओगे तो वो और फ्रैक्शन बढ़ाएगा, तो रिड्यूस करना है तो पाइप की लेंथ कर दो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। अ पंप यूज्ड इन हाई प्रेशर ऑर्चर्ड स्प्रेयर इज। स्प्रेयर के लिए सबसे हाई प्रेशर के लिए कौन सा यूज करते हैं पंप? तो प्लंगर टाइप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। पावर रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड होता है? इंपेलर डायमीटर और पंप स्पीड, तो दोनों पे डिपेंड करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। इफ द KH into KB are horizontal and vertical hydraulic conductivity, then the resultant of hydraulic conductivity is। तो resultant क्या हो जाएगा इसका? KH into KB की पावर 1/2, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। द लाइन जॉइन ऑफ इक्वल वाटर टेबल डेप्थ इज कॉल्ड एज, तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोबाथ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। वेल हाइड्रोलिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, तो किससे मेजर करते हैं? पिजोमीटर से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। पिजोमेट्रिक सरफेस इज फाउंड इन द एक्वीफर, तो पिजोमेट्रिक सरफेस किसमें पाई जाती है? कन्फाइंड एक्वीफर में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। फर्स्ट एक्वीफर इज स्पेशल केस ऑफ अनकन्फाइंड एक्वीफर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस आज इतने ही क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, मैनेजमेंट ऑफ डिग्रेडेड वाटर लॉक्ड एंड वाटर प्रॉब्लमेटिक सोइल एंड वाटर, चैप्टर नंबर 6 रहेगा। थैंक यू।